हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नगमा कुक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो आप अगर खाने के साथ अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो वो आपके वेट को भी लॉस करेगी, आपको बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन भी देगी। तो चलिए बनाते हैं ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने लिए हैं। इनको हम बाउल में ऐड कर देंगे। इन्हें हमने ओवरनाइट भिगोया था, उसके बाद हमने 2-3 सीटी लगाकर 1 चम्मच नमक डालकर इन्हें उबाल लिया है। अब इसमें हम एक स्मॉल साइज की प्याज को बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। एक छोटे टमाटर को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। चनों को उबालते हुए भी हमने सॉल्ट डाला था तो ध्यान से डालिएगा, इसे भी हम इसे ऐड कर देंगे। 1 हरी मिर्च को बारीक कवर भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, इसको भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड के पाउडर को हम इसमें डाल रहे हैं। फ्लैक्स सीड बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए। ये देखिए, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, हमने इन्हें ग्राइंडर में पीस लिया और उसके बाद उसके पाउडर को हमने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून हमने इमली के पानी को लिया है। पानी को बनाने के लिए हमने इमली को पहले पानी में भिगो दिया, फिर उसके गूदे को मसल कर हमने इसमें मिलाया है। ये इसमें है तो ये हम इसको इसमें खट्टेपन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमने ग्रीन कोरिएंडर लिया है, जिसे बारीक बारीक डंडियों के साथ काटा है, क्योंकि डंडियों में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। धनिए का सारा फ्लेवर और टेस्ट डंडियों में ही होता है, तो जब भी आप हरी पत्तियों को ऐड करें उसके साथ डंडी भी ज़रूर डालें, बहुत ही हेल्दी और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसके ही साथ हमने 1/4 कुकुम्बर को बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे स्किप कर दें, सर्दियों का मौसम है तो आप ये नहीं भी मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर डाल दें इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सभी को अब 1 चम्मच की मदद से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो रहा है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है और जितना ये दिख रहा है टेस्ट, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे थोड़े से हरे धनिए से गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्रोटीन, फाइबर और पौष्टिक तत्व से भरी हुई जो डिश है वो तैयार हो चुकी है, जो बहुत हेल्दी भी है और बहुत हेल्पफुल भी है। अगर आप इसे अपने खाने में शामिल करेंगे तो ये आपके वेट को भी लॉस करेगी, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।